प्ले टेन के पास, तो वो देखते हैं जरा कैसे मोमो है। तो देखिए ये मोमो है इनका। कॉफी तो बढ़िया है लेकिन तुमने थोड़ी ज्यादा मीठी कर दी कॉफी। तो दोस्तों इस वक्त देखिए अच्छा खासा क्राउड है देखिए यहाँ पर। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं इस वक्त हूँ नैनीताल की सबसे सस्ती मार्केट, जो फुटपाथ मार्केट है, और इस जगह को पंथ पार्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे सस्ते कपड़े और सबसे सस्ता खाना आपको मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से मोमो से, स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों हम आएंगे पप्पू भाई के वहाँ पर, और ये देखिए इनके वहाँ मोमो मिल रही है। तो मोमो का क्या प्राइस है? 60 रुपये। वेज या नॉन वेज? तो 60 रुपये की प्लेट है इनके पास। तो वो देखते हैं जरा कैसे मोमो है इसका। तो देखिए ये मोमो है इनका, वेज मोमो मिलेगी आपको, 60 रुपये की प्लेट है। तो 60 रुपये में पीस कितने पीस आएंगे भैया? 8 पीस आएंगे। तो ये 60 रुपये में जो है 8 पीस आएंगे। देखते हैं कॉफ़ी का गिलास कितने का एक भैया? 30 रुपये की कॉफ़ी है। तो एक कॉफ़ी लेते हैं, मोमो तो खाता ना, अभी नहीं खा रहा हूँ मैं, एक कॉफ़ी लेता हूँ। भूख तो बहुत लगी है लेकिन जो है मैं कॉफ़ी अभी पी लेता हूँ, अभी मोमो खाऊंगा वीडियो बनाने के बाद। तो ये देखिए पप्पू भाई की कॉफी, कॉफी हम देखते हैं पप्पू भाई की कॉफी का स्वाद। कॉफी तो बढ़िया है लेकिन तुमने थोड़ी ज्यादा मीठी कर दी कॉफी, लेकिन है बढ़िया कॉफी। थैंक यू भैया। तो दोस्तों ये देखिए ये कैंडल जो है, यहाँ से हम कैंडल ले सकते हैं। कितने की भैया ये कैंडल? 100। तो कभी आप नैनीताल आए तो इनसे कैंडल लीजिए, 100 रुपये की है बता रहे। और ये कितने? 60 रुपये। ये कितने की है? ये 100। ये भी 100 रुपये की है। तो जेली वाली कैंडल है ना, 50 है। जैस्मिन इसमें लिखा है, जैस्मिन ये 60 रुपये है, 100 रुपये है, 120 है, 100 है, 200 है। और एक गिफ्ट वाली कितने की है? 350। अच्छा, तो क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा इमरान नाम। ये इमरान भाई हैं हमारे। मेरा नाम अजीम है, जानते होंगे आप। तो दोस्तों आप आए नैनीताल कभी, आप अगर इनकी शॉप में आए इमरान भाई की, और तो कैंडल यहाँ से लेके जाए कि नैनीताल में ही बनाई जाती है। ये हैंडमेड है सारा आइटम, मैंने देखी इनकी फैक्ट्री, यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रीज हैं इसकी बनाने की, कैंडल बनाने की। इमरान भाई से पहले ही मिला हूँ लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे ये कैंडल वगैरह ही बेचते हैं यहाँ पर। आज आया हूँ मैं यहाँ पर नैनीताल का। अच्छा, नैनीताल का जहाज ये पुराना वाला जो था? हाँ। जो पहले वहाँ खड़ा हुआ था हल्का के पास, लेकिन आजकल नहीं है ये वाला। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल रहा है गर्मा गर्म देखिए भुट्टे, ये स्वीट कॉर्न, और ये देखिए भुने हुए वाले, ये भुने हुए मिलने में देखिए भुट्टे। तो भैया क्या प्राइस है इसका बताइए जरा? 50 रुपीज़। इसका 50 रुपीज़ है, और इसका दोनों का एक ही रेट है। बढ़िया है। तो ये अभी जरा बनाइए, एक मिनट जरा भुट्टा भुनिए, अभी खा के देखते हैं जरा। थोड़ा बढ़िया वाला भुट्टा यार तुम भी, ये है थोड़ा मोटा मोटा। चलो अभी भूनने के बाद पता चलता है स्वीट है या नहीं है। तो भैया कहाँ से लाते भुट्टे? दिल्ली आजादपुर मंडी। अच्छा, मैं तो सोच रहा लोकल के भुट्टे हैं। लोकल वाला अभी नहीं आया भैया। अच्छा, क्या साइड नहीं आया? मेरे साइड बिक रहा है, इस साइड में। अच्छा अच्छा, तो ये दिल्ली, वो दिल्ली आजादपुर मंडी से लेकर आता हूँ। तुम कितने भुट्टे बिक जाते हैं एक बोरा? कैसे चल रहा है काम? काम थोड़ा सही है, सही बोल रहा है। इस टाइम सीजन टाइम भी ठीक चल रहा होगा ना। तो आप आए दोस्तों, ये लाली भाई के भुट्टे जरूर खाइए। पहले मैं खुद टेस्ट कर लेता हूँ भुट्टा,
कि भुट्टे का स्वाद कैसा है, कैसे है लाली भाई के भुट्टे, फिर आपको बताता हूँ कि आप लाली भाई के वहाँ आए और भुट्टे खाएं जरूर। हम बना रहे बहुत प्यार से ये, अब लगाया इन्होंने इसमें नींबू। कैसे बढ़िया स्वीट कॉर्न है, बढ़िया बेस्ट। आप भाई लाली भाई का इनके वहाँ भुट्टे खाइए। तो दोस्तों इस वक्त मैं यहाँ पर पंत पार्क के पास, और ये देखिए हमारे तस्लीम भाई यहाँ पर काम करा रहे, तो यहाँ पर इस वक्त खा रहे हैं बना आमलेट, जिनमें इनको खाने तक का टाइम नहीं मिलता है, काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं ये अपने नफीस भाई के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और देखिए अच्छी खासी भीड़ हो रही है यहाँ पर, सीज़न चल रहा है टॉप का नैनीताल के अंदर। अभी भी देखिए कितनी चहल पहल है, देखिए यहाँ पंत पार्क के पास जहाँ फुटपाथ मार्केट लगती है। तो ये अंकल है हमारे, इनके वहाँ चाय पीते हैं, ऑमलेट खाते हैं, वन ऑमलेट। अभी हम जाते हैं अपने दोस्त हारून के पास। तो ये है देखिए दोस्तों, तो दोस्तों को देख सकते हैं आप, बहुत से हमारे सब्सक्राइबर भी हमें मिल रहे हैं यहाँ जो घूमने के लिए आए हुए हैं। तो ये देखिए रात के बजे हैं अभी 9, और ये देखिए कैसे चहल पहल हो रही है, क्या हमारे हारून भाई बहुत बड़े यहाँ पर मूँगफली खाते हुए। तो हारून भाई कैसा चल रहा है सीजन, कुछ बताइए जरा हमें। सीजन बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, माशाल्लाह। जरा यहाँ पर दिखाइए, कैप में आपकी सूरत नहीं दिखाई दे रही है, हाँ आप साफ दिखाई दे रहे हैं आप। भीड़ हो रही, देखो भीड़ तो अच्छी खासी हो रही है यार भाई, बहुत दिनों में आज ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। ये हारून भाई की फरमाइश थी कि ब्लॉग बनाओ अजीम भाई, ब्लॉग नहीं बना रहा, तुम्हारे ब्लॉग नहीं आ रहे। तो आज हम देखिए हारून भाई के साथ यहाँ पर ब्लॉग बना रहे हैं अपना। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करता हूँ, कल को एक न्यू ब्लॉग के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।